इस एपिसोड की शुरुआत में ये एल्डर मिस जिया से यहाँ पर लेट से आने के लिए माफ़ी मांग रहा था। तभी ये वॉरियर इस एल्डर को बोलता है, तुम इधर क्या देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर डकेटी के फॉर्मेशन की पावर आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और वो यह बोलकर अपने कुछ वेपन से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक नाइटिंग वॉइस इन लोगों को बताने लगती है कि तुम लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस जगह पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो। और वो यह बोलकर इस वॉरियर के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से इस वॉरियर को भी समझ में आ जाता है कि उसके सामने वाला अपोनेंट एक मेचा मास्टर है जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए वो अपने साथियों को लेकर इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग जाता है। इधर जिया बोलती है, टेंट मोसी ये तो आप हो, और वो यह बोलकर इस पैलेस के अंदर में चली जाती है जहाँ पर उसकी टेंट मोसी होती है। और उसकी टेंट मोसी जिया को बताने लगती है कि स्वाभाविक से तुम इस जगह पर जल्दी आ गई, नहीं तो तुमने अगर थोड़ा सा भी देर किया होता तो तुम लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम लोग टाइम पर इस जगह पर आ गए हो, इसलिए अब मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर जिया बोलती है, अभी हाउ यू किस जगह पर है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है। इस पर टेंथ मौसी बताने लगती है कि वुई के इलाज के लिए उसे जी फैमिली में दोबारा से वापस भेज दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस बात को साइड रखती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही दूर से आई हो और तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेती हो। इस पर जिया बोलती है, हाँ मौसी मैं कुछ देर आराम करने के लिए तैयार हूँ, और भी ये बोलकर इरफान के पास चली जाती है। और वो अपने मौसी को बताने लगती है कि वो यही इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी और इस हजारों मील की यात्रा में मेरा साथ दिया था, और इसका नाम इरफान। तभी टेंट मौसी बताने लगती है कि मैंने इसके बारे में सुना है क्योंकि इसकी वजह से ताई सुआन मैन पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया था। इस बात को सुनकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है और वो इस मौसी को बताने लगता है कि उस आदमी ने अपना बेस्ट दिया था, और यह चीज़ केवल यंग जनरेशन के ऊपर ही लागू होती है। इस पर मौसी बोलती है, ठीक है, और वो ये बोलकर आगे की ओर जाने लगती है, और इसके पीछे में इरफान और जिया भी जाने लगते हैं। तभी मौसी बोलती है, तुम्हें जितना कुछ भी पता है क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बता सकती हो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इस पर जिया बताने लगती है कि मुझे उन मार्क्समैन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो लोग अचानक से हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिए थे और किसी भी हालत में हम लोगों को जान से मारना चाहते थे। इस पर मौसी बोलती है, तुम लोगों को इन लोगों के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। इस पर इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा उन लोगों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तभी मौसी बोलती है, ये जी फैमिली की प्रिंसेस है और तुम अचानक से इससे कैसे मिल गए और इसने तुम्हारी जान को कैसे बचा लिया, और वो ये सब चीज़ें यहाँ पर इरफान को टेलीपैथी के थ्रू बता ही रही होती है। लेकिन तभी जिया खड़ी हो जाती है और वो अपने मौसी को बताने लगती है कि हम लोगों को उन वॉरियर को पकड़ना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को जान से मारने की कोशिश की थी। तभी यह एल्डर मौसी को बताने लगता है कि ताई सुआन मैन हुआ ने यूनफेई से हम लोगों को मिलने के लिए बोला है। इस पर मौसी बोलती है, ठीक है। तभी जिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, क्या आप उन्हें जानते हैं। इस पर मौसी बताने लगती है कि मेरी माँ का दूसरा नाम हुआ है और हम लोग यहाँ पर मेरी माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यूनफेई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो हम लोगों के सेक्ट के अंदर में ही है, और साथ ही वो तुम्हारा कजन होने वाला है क्योंकि आज से 2 साल पहले हावयू और इसके बीच में फाइट हुई थी और ये कंपटीशन मेरे आंखों के सामने हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पता चला था कि ये दोनों ही एक बहुत ही बड़े जीनियस हैं और इन लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। मौसी यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूनफेई आ जाता है जिसे देखकर मौसी थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है, तुम्हारे बारे में ही हम लोग इस जगह पर बात कर रहे थे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ये सब चीज़ें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सीधे आकर बैठ जाओ। और यूनफेई, तुम इस जगह पर क्यों आए हो। इस पर यूनफेई बताने लगता है कि मौर्य क्लैन के लोगों ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया था और हावयू भी इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, इसलिए मैं भी इस फाइट में हिस्सा लेने चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी तलाश कर रहा था, तभी मुझे पता चला है कि आप इस जगह पर हो, इसलिए मैं आपके पास आ गया। और वो यह बोलकर मौसी को यहाँ पर ग्रीट करता है। इस पर मौसी बताने लगती है कि मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ कि तुम हजारों मील की यात्रा करके इस जगह पर हम लोगों की मदद करने के लिए आए हो। यूनफेई बोलता है, मैंने सुना था कि मिस जिया इस जगह पर एकदम सुरक्षित आई थी और इस चीज़ में इस लड़की ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। इस बात को सुनकर जिया मन ही मन में थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है, चलो यहाँ पर किसी ने तो इरफान के बारे में बात की है। तभी मौसी यहाँ पर बात को टालते हुए बोलती है, मैंने तुम लोगों को बहुत दिनों से नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम लोगों की फैमिली में जाना चाहती हूँ, और ये बोलकर इन दोनों को लेकर जाने की तैयारी करने लगती है। इस पर जिया इरफान को बोलती है, इरफान तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करना, मैं कुछ ही देर में इस जगह पर दोबारा से आऊँगी। तभी यह आदमी इरफान को अपने साथ आने के लिए बोलता है।
इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहां पर ये एल्डर इरफान को बोल रहा था जी फैमिली किसी के भी उधार को अपने सिर के ऊपर नहीं रखता है, वो हर चीज की कीमत चुकाता है। इस पर इरफान बोलता है मैंने जिया की जान ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाई थी, वह मेरी दोस्त है इसलिए मैंने उसकी जान बचाई थी। इस पर ये एल्डर इरफान की बातों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और वो इस ट्रेजर को इरफान को दिखाने लगता है और वो बोलता है यह चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी होगी, इसलिए तुम यहाँ पर ये मत सोचो कि जी फैमिली तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रही है, बल्कि तुमने इस चीज़ को खुद कमाया है। और वो ये बोलकर इस ट्रेजर को इरफान को देने के लिए जाने लगता है और साथ ही वो बोलता है अभी मिस जिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इसलिए वह कुछ दिनों तक इस जगह पर आराम करेगी, तब तक तुम इस ट्रेजर को ले लो और यहाँ पर कल्टिवेशन करो। और वो यह बोलकर इस ट्रेजर को इरफान को दे देता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिया इरफान को बोल रही थी कि कल रात को उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होगा। इस पर इरफान साफ मना कर देता है और वो बोलता है जी फैमिली के सभी लोग एक जैसे नहीं हैं इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इस पर जिया बोलती है इरफान कुछ दिनों के लिए मुझे इस जगह पर रहना होगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि डिवाइन सूत्रा का यूज तुम किसी के सामने नहीं कर सकते हो, नहीं तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है और साथ ही तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे सीक्रेट हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा जब तक मैं तुम्हारे पास दोबारा से वापस लौट कर नहीं आ जाती हूँ। और एक चीज़ तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि डिवाइन सूत्रा का यूज तुम मेरी फैमिली के किसी भी आदमी के सामने मत करना। इस पर इरफान भी यहाँ बोलकर जिया से जाने की तैयारी करने लगता है। इस पर जिया बोलती है मैं कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ और वो ये बोलकर एक जेट के टुकड़े को इरफान को दे देती है। इस पर इरफान बोलता है यह कोई ट्रैकिंग डिवाइस तो नहीं है जिसकी मदद से तुम मुझे ट्रैक करना चाहती हो। इस पर मिस जिया साफ मना कर देती है कि अगर मुझे तुम्हें ढूंढना ही है तो मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर तक भी ढूंढ सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी ट्रेजर का यूज क्यों करूँगी। इस पर इरफान इस जेट के लिए जिया को थैंक यू बोलकर इस जिया से चला जाता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से जिया यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मौसी आ जाती है और वो बोलती है अब वो चला गया है इसलिए अब तुम्हें हम लोगों के साथ आराम करना चाहिए। इधर हम इरफान को देखते हैं जिसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन टाइम रहते ही इरफान ने इस अटैक को डॉज कर लिया था क्योंकि इस चीज़ के बारे में पहले से ही इरफान को पता था। तभी यह एल्डर इरफान को बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ग्रेट डिवाइन सूत्रा के बारे में पता है इसलिए आज तुम इस जगह से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते हो। इस पर इरफान थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो इस एल्डर को बताने लगता है मैंने तुम लोगों की फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद की है और तुम लोग मेरी मदद का बदला इस तरह से यहाँ पर चुका रहे हो। इस पर यह एल्डर बोलता है हम लोगों की जी फैमिली ने पहले ही अपने बहुत सारे डिसाइपल की मौत का बदला ले लिया है और अब इस चीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने दो जाइंट हैंड को अपेयर कर लेता है और उससे इरफान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इरफान इन सभी अटैक को टाइम रहते ही डॉज कर लेता है और वो अपने स्पिरिचुअल पत्थर से इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये एल्डर बहुत ही आसानी के साथ में इन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही उसने यहाँ पर बहुत सारे जाइंट हैंड को भी अपेयर कर लिया था और वो उससे इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इरफान भी इन सभी स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।